भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने बीते बुधवार चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अपने उपग्रह चंद्रयान 3 को उतारकर इतिहास रच दिया है। इसरो ने इस मिशन के तहत एक लैंडर और एक रोवर को चांद की जमीन पर उतारा है, जिन्हें विक्रम और प्रज्ञान नाम दिया गया है। विक्रम और प्रज्ञान को अलग अलग तरह के 6 उपकरणों से लैस किया गया है, जिनका काम चांद पर अलग अलग तरह के प्रयोग करके नई जानकारियां जुटाना है। लेकिन ये काम केवल अगले 14 दिनों तक जारी रह सकेगा, क्योंकि विक्रम और प्रज्ञान की लाइफ केवल इतनी ही है। इसरो ने अपनी वेबसाइट पर बताया है कि विक्रम और प्रज्ञान की मिशन लाइफ केवल 14 दिनों लंबी है। लेकिन ऐसा क्यों? इसरो ने चंद्रयान 3 के साथ चांद पर पहुंचे विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर की जिंदगी सिर्फ 14 दिन बताई है। इसकी वजह विक्रम और प्रज्ञान का सौर ऊर्जा पर आधारित होना है। ये दोनों सूर्य की रोशनी को ऊर्जा में तब्दील करके अपना काम चलाते हैं। अगर आपने विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर की तस्वीरें देखी हैं तो आपका ध्यान उन पर लगे सोलर पैनल पर जरूर गया होगा। विक्रम लैंडर को 3 ओर से सोलर पैनल से ढका गया है ताकि उसे हर हालत में पर्याप्त रोशनी मिल सके। लेकिन ऐसा केवल अगले 14 दिनों तक ही संभव है, क्योंकि 14 दिन के अंदर चांद का यह हिस्सा अंधेरे में डूब जाएगा। क्योंकि चांद का एक दिन पृथ्वी के 14 दिन जितना लंबा होता है, चांद पर बीती 23 अगस्त को सूरज उगा था, जो 5-6 अगस्त तक ढल जाएगा। इसके बाद चांद पर तापमान में भारी कमी आएगी, क्योंकि चांद पर पृथ्वी की तरह वायुमंडल नहीं है जो पृथ्वी को रात के समय भी गर्म रखे। ऐसे में चांद पर सूरज उगने और ढलने के साथ तापमान में बेहद तेजी के साथ भारी अंतर आता है। इसरो प्रमुख डॉक्टर एस सोमनाथ ने कहा है कि सूरज ढलने के साथ ही सब कुछ अंधेरे में डूब जाएगा, तापमान -180 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाएगा। ऐसे में इस तापमान पर इन सिस्टम्स का सुरक्षित बने रहना संभव नहीं है। इस 14 दिन लंबी अंधेरी रात के बाद चांद पर एक बार फिर सूरज उगेगा और तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। लेकिन क्या सूरज की रोशनी एक बार फिर प्रज्ञान और विक्रम में नई जान फूंक पाएगी? इसरो के प्रमुख ने कहा कि इस तापमान पर इनके सुरक्षित बचे रहने की संभावना काफ़ी कम है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा, अगर ये सिस्टम सुरक्षित बने रहते हैं तो हम बेहद खुश होंगे। अगर ये दोबारा सक्रिय हो जाते हैं तो हम इनके साथ एक बार फिर काम शुरू करेंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही हो। लेकिन अगर चांद पर एक बार फिर सुबह होने के बाद भी प्रज्ञान और विक्रम एक्टिव नहीं हो सके तो क्या होगा? इंटरनेट पर चंद्रयान 3 से जुड़ी जानकारियां हासिल करने की कोशिश कर रहे लोगों ने एक सवाल बार बार पूछा है कि क्या प्रज्ञान और विक्रम वापस धरती पर आएंगे, और क्या वे अपने साथ चांद के नमूने लेकर आएंगे? तो इसका जवाब है नहीं।